हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो के माध्यम से आपके बीच आपका भाई चंदन आपके साथ आ चुका है। दोस्तों आज बहुत बड़ी खुलासा करेंगे, बहुत चीज और बहुत बड़ी बातें आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और आप लोग बता रहे थे कि चंदन सर अफवाह फैलाते हैं, सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। बीटीएससी 10709 एनएम की जब एक नोटिस यहाँ पर वायरल हुआ था एग्जामिनेशन को लेकर के कि इस विज्ञापन में एग्जामिनेशन लिया जाए क्योंकि विज्ञापन निरस्त हुआ, ऐसा करके स्वास्थ्य विभाग भेजे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग को, और वो नोटिस सभी कैंडिडेटों के पास गया था, सभी कैंडिडेटों के पास, मेरे पास भी कोई ना कोई स्टूडेंट ही भेजे हुए थे, तो मेरे पास भी, मेरे ग्रुप में भी आया हुआ था ये चीज था। तो उस पर हमने भी बताया था कि नोटिफिकेशन ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नोटिस सच है। तो उस नोटिस को लेकर के आप लोग कितना कमेंट किए थे, आप लोग को भी पता होगा, जो कैंडिडेट कमेंट किए थे, गलत कमेंट किए थे कि सर अफवाह फैलाते हैं, सर सिर्फ सर ये करते हैं, तो मैं उन चीज पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये बात कहीं कहीं सही हो सकते हैं। और बीटीएससी ऑफिस से जब हम बात करने के गए थे तो वहां के स्टाफ भी बताए थे कि कहीं ना कहीं बिल्कुल रूप से ये नोटिस सही है और एग्जामिनेशन होंगे, चूंकि पब्लिक के वेबसाइट पर नहीं डाला गया था और पब्लिक के लिए वो नोटिस नहीं था, लेकिन कोई वैसे होंगे जो वायरल कर दिए थे और हम सभी कैंडिडेटों के पास पहुंचा था, तो आप लोग बहुत बताए थे। आज साथियों, आज मेरी प्यारी सिस्टर, आप लोग मैं बता दूं, बिहार में स्वास्थ्य विभाग 8853 एनएम का जब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ तो किसी भी वेबसाइट पर नहीं था, किसी भी यूट्यूब चैनल ने उसे अपलोड नहीं किया था, और हम सबसे पहले उसको अपलोड किए और सभी को जानकारी दिए कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, सारे कैंडिडेट देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भेज दिया हूं। तो उस वीडियो को मैंने जब डाला तो बहुत सारे कॉल आने लगा और आप लोग भी पूछे कि सर कहाँ है वेबसाइट पर, कहाँ है वेबसाइट पर, फिर से आप वीडियो बना दिए। तो साथियों, ये पब्लिक के लिए ही नोटिस निकाला था क्योंकि ये मेरिट लिस्ट तो पब्लिक के लिए है, लेकिन उस टाइम वेबसाइट पर नहीं डाला था। हम वीडियो में भी बोला हूँ, वो वीडियो इससे पहले वही वीडियो अपलोड किया हूँ, देख लीजिए कि वेबसाइट पर शाम तक डाल दिया जाएगा, जाइए ऑफिशियल वेबसाइट को खोलिए और वो नोटिस डाउनलोड करिए। अब बताइए कि मैंने जो जानकारी प्रोवाइड किया था क्या सही हुआ या नहीं हुआ, उस टाइम भी वेबसाइट पर नहीं था, कोई यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड नहीं हुआ था, और मेरे पास जब जानकारी आया तो हम अपडेट किए, आप सभी कैंडिडेट को बताएं कि जाके एनएम का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, सभी कैंडिडेट जाकर के देख लीजिए, घबराना नहीं है किसी को, वेबसाइट पर शाम तक अपलोड किया जाएगा, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे वर्क होते हैं तो ऑफिशियली नोटिस निकाल देते हैं और किसी तरह से कोई ना कोई वायरल कर देते हैं तो सबके पास पहुंच ही जाता है, सोशल मीडिया की दुनिया है। तो बिल्कुल रूप से वो सही है और बिल्कुल रूप से वो वेबसाइट पर आ गया, तो वेबसाइट पर जाकर के अब आप लोग देख सकते हैं। साथियों, मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि मैं वही न्यूज बताता हूं जो बिल्कुल कहीं ना कहीं सही रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं औरों की तरह। हाँ, आपका कहना सही है कि नोटिस वायरल गलत भी होता है, सही बात है, नोटिस वायरल गलत भी होता है, लेकिन जब नोटिस गलत वायरल आता है तो मैं उस पर जिक्र ही नहीं करता हूं। आपको मैं एक और प्रूफ दिखाऊंगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाया था करीब इस बात का, एक साल पहले की बात है, आठ नौ महीने पहले की बात है। बीटीएससी के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी का एक फर्जी नोटिस जारी कर दिया था, किस समय, तो पेपर के माध्यम से, 1200 कुछ पोस्ट था, पेपर के माध्यम से, कोई नोटिस टाइप का नहीं था, पेपर में जैसे छपता है वैसे, तो हम उसको वेरीफाई करके और सबसे पहले हम बताए भी थे कि ये नोटिस बिल्कुल तरह से फेक है, आप लोग इस पर ध्यान ना दें, तो वो नोटिस फेक ही निकला और बिल्कुल रूप से फेक था भी। तो ये जो पहले वाला नोटिस बीटीएससी एनएम का है, कहीं ना कहीं बिल्कुल रूप से सही लग रहा है, क्योंकि पब्लिक के वेबसाइट पर नहीं है, इसीलिए ऑफिस पे ऑफिस के स्टाफ जो वहाँ के वो भी डायरेक्टली बताने में थोड़ा सा मना कर रहे हैं, ये चीज हो सकते हैं। तो साथियों, अब आप लोग यकीन हो गया होगा कि चंदन सर आज भी पहले बताएं और वो सही हो गया, तो हो सकता है कि पहले वाला जो नोटिस है वो भी कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को ये चीज बताने का एक और कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, बीटीएससी काउंसलिंग करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो एग्जामिनेशन ले लेते हैं तो आप लोग फंस जाइएगा, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। मान लेते हैं कि काउंसलिंग नहीं होते हैं, एग्जामिनेशन हो जाते हैं, तो आप लोग पढ़े रहिएगा तो काम आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लेते कि काउंसलिंग ही ले लेता है, उस नोटिफिकेशन को हटा दिया जाता है और काउंसलिंग आपको पुराने नियमावली पर ले लेते हैं, तो आप जो पढ़े रहिएगा उसका कम से कम आपका प्रयोग तो होगा,
उसका यूज तो आप लोग होगा, वो ज्ञान तो आपके पास रहेंगे। और जिन कैंडिडेटों का रिजल्ट नहीं होगा वो आगे जो एग्जामिनेशन होगा उसमें तो परीक्षा होगा, आगे जो वैकेंसी आएगा तो उसमें तो कम से कम काम आ जाएगा। इसीलिए मैं सभी ANM सिस्टर को कहना चाहूँगा कि आप लोग हर तरह से तैयार रहिए, हर तरह से। जब तक नौकरी नहीं लग जाता है ना व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को, तो उसे हर तरह से तैयार रहना चाहिए, चाहे वो मार्क बेसिस पे हो, परीक्षा बेसिस पर हो, एग्जाम लिया जाए, किसी भी तरीका से उस पर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। खास करके स्टूडेंट की बड़ी बात है कि उसे हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए कि अब काउंसलिंग होगा तो अब पढ़ना ही नहीं है। ये कौन सी लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करिए। अगर पढ़ाई करना चाहते हैं मेरे साथ, तो बिल्कुल आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्लास के बारे में जानकारी ले सकती हो, या कॉल करके भी जानकारी भी ले सकते हैं। साथियों एक खुशखबरी और बता दूं, आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स देख लीजिएगा पिछले वीडियो का, मुझे पता नहीं था, मेरा कमेंट बॉक्स देख लीजिएगा। और जब 4-5 कॉल आया तो मुझे पता चला करीबन 50 के आसपास मेरा स्टूडेंट का फिर से नाम इस लिस्ट में आया है, जो मेरे माध्यम से नोट्स लिए थे, मेरे माध्यम से पढ़ाई किए थे। कमेंट भी बहुत सारे कैंडिडेट, एक कमेंट हम देखे हैं अभी तक, वो कमेंट आप लोग देख लीजिएगा, पता नहीं उनसे हमें बात भी नहीं हुआ है, कह रहा है कि सर मेरा नाम ऊपर में ही है। तो चलिए, और मुझे थैंक यू भी बोले हैं, तो उनका नाम ऊपर में ही आ गया है, तो अच्छी बात है कि सबसे ऊपर में एक नंबर में ही उनका नाम है। तो इसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेटों का इस बार 50 प्लस हमको लग रहा है कि रिजल्ट हो गया है। 4-5 तो मुझे कॉल करके बताए, और सारे कैंडिडेट कमेंट करके बता रहे हैं। और जो कैंडिडेट को और भी है जो मुझे नहीं बताए अभी तक, बिल्कुल से मुझे भी बताइए, खुशी होता है ये चीजें। तो आप लोग सफल होते हैं, आप लोग का मेहनत कामयाब हो जाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आपकी सफलता ही तो मेरी पहचान है ना। कहीं ना कहीं मैं अगर आपके माध्यम से ही जाने जा रहा हूँ, आपके माध्यम से। तो साथियों अब किसी भी तरीके से आप लोग को ये नहीं करना है, कहीं से भी आप लोग नोट्स लेके कम से कम पढ़िए, कोई बुक खरीद के पढ़िए, क्लास मैं स्टार्ट किया हूँ, क्लास भी आप लोग करिए, ठीक है, जिससे कि कोई भी तरीका से, किसी भी तरीका से हो तो ये हो। बाकी आपको 8853 ANM सेकेंड लिस्ट के बारे में सबसे पहले मैं ही जानकारी दिया था कि उस टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं था, ऑफिशियल वेबसाइट में तो इधर आया सेकेंड लिस्ट के बारे में कि सेकेंड लिस्ट प्रकाशित किया जाना है। ये डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था, लेकिन मैंने पहले भी, सबसे पहले भी बताया, फिर बाद में बताया, और हर दिन जब मुझे स्टूडेंट पूछते थे तो बोलते थे संभावित है, वेट कर लो। आज देखिए खुशी की बात है कि जो करीब 350 कैंडिडेट का यहाँ पर जो भी है डिपार्टमेंट के माध्यम से उसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिए गए हैं, और आप लोग भी खुश हो जाए। साथियों एक दो बात और मैं बताऊंगा, जिनका रिजल्ट हुआ, ज्वाइनिंग प्रोसेस के रिलेटेड कोई जानकारी अपडेट लेनी हो तो मैसेज कर दीजिएगा। जिनका रिजल्ट हुआ है वही कैंडिडेट, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो क्यों पूछिएगा, झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होगा। आप लोग के लिए आगे क्लास अपडेट किया वो दिखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी क्लिक करके आप लोग सारी जानकारी, सारी अपडेट ले सकते हैं। आपका भाई आपके लिए हमेशा से तैयार रहते हैं, किसी भी वक्त तैयार रहेंगे आपकी पढ़ाई को लेकर के। तो चिंता ना करें, फटाफट क्लास को ज्वाइन करें, नोट्स कर दें और पढ़ाई को शुरू करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आज शाम 7 बजे लाइव क्लास में आ रहा हूं, बिल्कुल बेहतरीन क्लास होगा, मेरा टीचर्स टीम लोग भी क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन करिएगा। वीडियो को समाप्त कर देता हूं, थैंक यू।